पहले। तो दोस्तों जिस न्यूज का हम इंतजार कर रहे थे फाइनली वो अपडेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की मच अवेटेड पैन इंडिया फिल्म पुष्पा द राइज, जिस फिल्म को रिलीज किया जाना है 17 दिसंबर को। पुष्पा फिल्म का अभी तक एक टीजर आया था जो कि अल्लू अर्जुन का इंट्रोडक्शन सीन था। इसके बाद पुष्पा फिल्म का फर्स्ट सॉन्ग जागो जागो बकरे रिलीज हुआ, जिसे 5 भाषाओं में पब्लिक की तरफ से काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला और वो सॉन्ग पहले ही ब्लॉकबस्टर हो चुका है। लेकिन दोस्तों जितने भी लोग वेट कर रहे थे कि पुष्पा का जो सेकंड सिंगल है यानी कि श्रीवल्ली वो कब रिलीज किया जाएगा, तो इसको लेकर आज एक अपडेट आ चुकी है पुष्पा फिल्म की टीम की तरफ से। दोस्तों आपको बता दें कि पुष्पा की टीम ने अभी हाल ही में ट्विटर पर ट्वीट करके बताया कि श्रीवल्ली सॉन्ग को 5 भाषाओं में रिलीज किया जाना है 13 अक्टूबर को। जी हाँ दोस्तों, आज है 5 अक्टूबर, यानी कि एक हफ्ते बाद श्रीवल्ली सॉन्ग आपको हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा 5 भाषाओं में यूट्यूब पर आदित्य म्यूजिक चैनल पर देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों अभी तक ये रिवील नहीं हुआ कि इस सॉन्ग को हिंदी वर्जन में कौन गाने वाला है। कुछ खबरें यूं आई थी कि श्रीवल्ली सॉन्ग को शायद अरिजीत सिंह गाएंगे, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि श्रीवल्ली सॉन्ग फीमेल वॉइस में होगा या मेल वॉइस में, और अगर मेल वॉइस में होगा तो इस सॉन्ग को सच में अरिजीत सिंह गा रहे हैं या फिर हिंदी वर्जन में इस सॉन्ग को और कोई गाए। हालांकि दोस्तों श्रीवल्ली सॉन्ग के सिंगर कौन है इसको लेकर अगर और भी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए तो इतनी कंफर्म अपडेट आ चुकी है कि श्रीवल्ली यानी कि पुष्पा का सेकंड सिंगल रिलीज होना है 13 अक्टूबर को। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, जिस तरह पुष्पा का फर्स्ट सिंगल जागो जागो बकरे एक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग रहा था, उसी तरह श्रीवल्ली भी यूट्यूब के रिकॉर्ड तोड़ पाएगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और पुष्पा फिल्म के हर एक छोटी बड़ी हिंदी अपडेट के लिए आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।